खबर चमोली से। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पहुंची गोचर, महलचोरी स्टेट मेले में शिरकत कर करेंगी मेले का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी आज देहरादून से हवाई मार्ग से चमोली जिले के गौचर एयरपोर्ट पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष गैरसैंण के महलचोरी स्टेट मेला ग्राउंड में मेले का करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण का यदि विकास हुआ तो भाजपा के शासनकाल में हुआ है और सरकार विकास के प्रति संजीदा है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में भी कई कार्यक्रम हुए हैं, भविष्य में भी कई कार्यक्रम होंगे और यही विधानसभा सत्र की बात तो कोरोना काल के बाद तरह का वातावरण देश में बन गया था और जिस तरह की परेशानियां सामने रहीं उसके कारण थोड़ा सा धीमा हुआ था, लेकिन अब फिर से राज्य स्थापना दिवस को लेकर के और विधानसभा के सत्र तक सभी कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे और 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ है उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है। हर चीज को पॉलिटिकल मुद्दा बना के और पॉलिटिकल बात करना भी सही नहीं होता है ना। भराड़ीसैन में लगातार होते रहे हैं, सेशंस हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था। इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ीसैन नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग गैरसैंण में इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, भराड़ीसैन पहुँचेंगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।